चूल्हा आता है, तो वो गालियां दी जा रही थी। अब गालियां कैसी थी? सखियों ने कहा, हमने सुना है अयोध्या में लड़के खीर से पैदा होते। अब राम को बैठे शांत, क्योंकि राम थोड़े सरल स्वभाव के थे, वे तो हंस रहे थे। भरत ने भी कुछ नहीं कहा, शत्रुघ्न ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन लक्ष्मण कैसे शांत बैठे? कहा सखियों ने कहा, क्या कहा? एक अतिरज कहो न जाए, लला तो जाने खीर पे जने। लक्ष्मण ने श्री राम से कहा, भैया अगर आदेश आपका हो तो दो बातें हम भी इनसे कहना चाहते हैं। श्री राम ने कहा, नहीं नहीं भैया, उन्हें कहने दो। लक्ष्मण बोले, भैया हमसे तो सुनी नहीं जा रही है और आप कह रहे हो कि रहने दो, तो भैया आदेश कर दो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। श्री राम मुस्कुराए और लक्ष्मण से कहा, कह लो भैया जो तुम्हें कहना है। तो लक्ष्मण ने कहा, सुनो, तुमने हमें तो सुना दी कि हम खीर से पैदा हुए, अब तुम सुनो कि जनकपुरी में लड़कियां कैसे पैदा होती हैं। और आप सब लोग जानते हैं सीता जी का जन्म कैसे हुआ था। आज वही बात कह रहे हैं लक्ष्मण। क्या? एक अचंभो देखो भारी, फोर घड़ानी करी सुकुमारी, नाम पढ़ो सीता सुकुमारी, भई जनक की राज दुलारी। सुखी भये नर नार, बात मैंने अजब सुनी, धरती फोर के कड़ी विजनार। बात मैंने अजब सुनी, धरती फोर के कड़ी विजनार। बात मैंने अजब सुनी, धरती फोर के कड़ी विजनार। बात मैंने अजब सुनी। एक
आज इस तरह से बड़ी हंसी खुशी के साथ महाराज जो रस्म होती है कलेवा की वो पूरी हुई है। एक दूसरे ने एक दूसरे से कहा और विदाई हुई है मैया सीता जी की सभी।